मूवी की शुरुआत रिचर्ड के एक प्राचीन जादूगरनी जापान की मिथिकल रानी हिमिको के कहानी से होती है, जिस कहानी के अनुसार हिमिको के पास जीवन और मौत देने की अद्भुत शक्ति थी, जिनकी किसी को भी छूते उसकी वही मौत हो जाती। पर उनके जनरल्स ने उन्हें डेविल सी से घिरे रहस्यमय यामाताई आइलैंड पर बसे पहाड़ों में हमेशा के लिए दफना दिया, ताकि उसका ईवल और फैल न सके। पर रिचर्ड पर उसके टूम को खोजने का जुनून सवार हो गया, इतना कि ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी बेटी लारा को अकेला छोड़ना पड़ा। और फिर मूवी अभी के समय में लारा की तरफ मुड़ जाती है, जो जब अपना हॉबी किकबॉक्सिंग खत्म करने के बाद जिम ओनर उसे याद दिलाता है कि उसका कई महीनों तक जिम मेंबरशिप पेमेंट अब भी बाकी है, तो हमें धीरे धीरे लारा की परिस्थिति के बारे में समझने लगता है कि लारा के पिता हिमिको के खोज में कभी घर लौटे ही नहीं, इसलिए इतने सालों बाद कानून ने उन्हें मरा घोषित कर दिया। वही लारा के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए अरबों की विरासत छोड़ गए, पर वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उसके पिता अब नहीं रहे। इसलिए उसके पिता की बिजनेस पार्टनर एना के लाख समझाने के बावजूद वो हर बार अपने पिता के विरासत के पेपर साइन करने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे अब भी उम्मीद है कि उसके पिता अब भी जिंदा है। पर अंत में एना उसे साइन कराने के लिए मना लेती है, वरना पूरी विरासत नीलाम कर दी जाती। पर पेपर्स पर साइन करते दौरान उसे ये भी पता चलता है कि उसके पिता ने उसके लिए एक जापानीज पजल भी छोड़ गए, जिसे सॉल्व करने के बाद उसे उसमें से पहेली में लिखा एक सीक्रेट नोट मिलता है। लारा बिना पेपर्स पर साइन के दिमाग से तेज तुरंत गुत्थी को सुलझा लेती है कि उस पहेली का इशारा उसके पिता के मकबरे की तरफ है, जिसके पहले अक्षर को प्रेस करने पर एक सीक्रेट तहखाना उजागर होता है। और अब लारा को पहली बार पता चलता है कि उसके पिता गायब होने से पहले कहां मग्न थे। वहीं पड़े कैमकॉर्डर को प्ले करने पर उसके लिए उसके पिता का छोड़ा एक संदेश मिलता है, जो वो ये संदेश छोड़ गए कि उसके माँ को खोने के सदमे को वो नहीं झेल सके, इसलिए इस बात को साबित करने के लिए कि सुपरनेचुरल रेम की दुनिया एग्जिस्ट करती है, ताकि वो फिर से उसकी माँ को स्पिरिट्स की दुनिया से रिटर्न ला सके। उनकी खोज के दौरान उन्हें हिमिको के बारे में पता चला, पर मैसेज के आखिरी में वो उससे स्ट्रिक्टली विनती करते हैं कि उसे हिमिको के संबंधी सारे रिसर्च को नष्ट करना होगा, इससे पहले कि वो गलत लोगों के हाथ लग जाए। पर लारा उनकी चेतावनी को इग्नोर करके उनकी डिस्कवरी को स्टडी करने के बाद वो पता कर लेती कि उसके पिता हिमिको के टूम के खोज में कहां के लिए निकले थे और किसने उनकी मदद की थी। लारा के मन में अब उम्मीद जगने लगती कि उसके पिता अब भी जिंदा हो सकते हैं, इसलिए अपने पिता का एक एमुलेट गिरवी रखकर पैसे जमा करके तुरंत हांगकांग पहुंचती है और तुरंत उसी जहाज की तलाश में लग जाती जिस पर आखिरी बार उसके पिता देखे गए थे। पर खोज के दौरान ही कुछ चोर उचक के उसका बैग चुरा कर भाग पड़ते हैं, पर उन्होंने गलत लड़की से पंगा ले लिया, क्योंकि लारा उन्हें हंड डाउन करके ही दम लेती है और बॉक्सिंग के दम से डेवलप्ड अपने मसल से उन्हें बैग हवाले करने पर मजबूर कर देती है। और वहीं कुछ देर बाद वो भाग से उसी जहाज को भी खोज निकालती है। जहाज के ओनर से लारा को पता चलता है कि उसके पिता ने उसके पिता की मदद की थी, जो खुद भी उस मिशन के बाद कभी लौटे नहीं। इस पर लारा तुरंत सुझाव देती कि वो दोनों मिलकर अपने पिता को खोज सकते हैं, क्योंकि उसने अपने पिता के क्लूज की मदद से आइलैंड खोज निकाला। पर लारा को ये खबर नहीं रहती कि आइलैंड खतरनाक लहर के लिए बदनाम है, इसलिए लोरेन जाने से इनकार कर देता है। पर कर्ज में डूबा अच्छे पैसे मिलने पर वो अंत में तैयार भी हो जाता है। सफर के दौरान लारा अपने पिता के सारे पजल्स को सुलझाने लगती है। उसे ये भी पता चलता है कि उसके पिता के अलावा एक ईवल ग्रुप कॉल्ड ट्रिनिटी भी हिमिको की खोज में थे, जिनका इरादा हिमिको की शक्ति को हथियार की तरह प्रयोग करने का है। पर झपकी लेते वक्त जब लारा अपने पिता के साथ बिताए कुछ यादगार पल को याद कर ही रही होती है कि जहाज के तेज झटके में नींद से खुलने पर उसे पता चलता है कि वो आइलैंड के करीब पहुंच गए हैं, जिसके तेज बवंडर में जहाज के चीथड़े होने लगते हैं। अब जहाज से कंट्रोल छूटने पर वो तुरंत कूदने का तय करते हैं, पर लारा के अपने पिता के पेपर्स रिकवर करने की कोशिश में एक तेज लहर उसे झंझोर कर रख देती है। उन्हें अब रेस्क्यू बोट की तरफ पहुंचने के लिए भी मुश्किल होने लगता है, पर उनका सबसे बुरा सपना के जहाज के एक विशाल पत्थर से टकराने पर अब जहाज धीरे धीरे चकनाचूर होने लगता है। इसलिए लारा समय रहते जहाज से दूर छलांग लगाती है और बड़े मुश्किल के बाद किनारे पहुंचने में सफल हो जाती है। पर अगली सुबह उसकी आंखें ट्रिनिटी ग्रुप का कमांडर मर्सिनरी वॉगल के कब्जे में खुलती है, जिससे उसे एक बड़ा झटका लगता है, जहां वो दावा करता है कि उसने टूम का पता करने की कोशिश में उसके पिता की जान ले ली और अब उसके पास से मिले उसके पिता के जनरल के मदद से उसे फाइनली हिमिको के एंट्रेंस का पता चल गया। इसलिए अब वो लारा को भी अपना मजदूर बनाकर अपने साथियों के साथ हिमिको के एंट्रेंस की तरफ निकल पड़ते हैं। पर लूरेन भी उनके चंगुल में कैद, वो लारा की मदद करता है भागने में। मर्सिनरीज दूर तक लारा का पीछा करते हैं और अंत में एक जानलेवा नदी पार करते दौरान लारा फिसलकर तेज बहते पानी में गिर जाती है।
वो ऑलमोस्ट विशाल झरने में बह ही जाती कि सही समय पर क्रैश प्लेन को धर लेती है। पर जब तक वो इस मौत के खाई से बचने के लिए कबाड़ प्लेन उसके वजन से और कमजोर पड़ने लगता है, पर चौकस लारा सही समय पर छलांग लगाकर प्लेन के मेन हिस्से को पकड़ लेती है। बेचारी को राहत की सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता क्योंकि अब पूरा प्लेन का दम टूटने लगता है। इससे पहले कि उसकी यही समाधि बन जाए, प्लेन के टुकड़े होने से पहले ही एन मौके पर पैराशूट को धर लेती है, जिसकी मदद से बचकर जंगल के बीच क्रैश लैंड कर जाती है। बुरी तरह से घायल दूर दूर तक लारा को मदद नहीं नजर आता, पर रात होने पर उसे कोई अजनबी नजर आता है, जिसका पीछा करने पर उसे फाइनली एक बड़ी खुशी नसीब होती है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके पिता हैं जो अब भी जिंदा हैं। रिचर्ड भी अपने बेटे को इतने सालों बाद देखने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर अगली सुबह तक पता चलने पर कि वॉगल के हाथ उनका जनरल लग गया, जो उन्होंने उसे साफ कहा था नष्ट करने के लिए, तो वो लारा पर बरस पड़ते हैं क्योंकि अब इससे लाखों लोग खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि ऐसा हो, लारा अपना ट्रेडमार्क धनुष बाण लेकर वॉगल को रोकने के लिए निकल पड़ती है। पर तब तक वॉगल एंट्रेंस खोज निकालता है, हालांकि उसे कोई क्लू नहीं कि उसे कैसे ओपन करना है। लारा अब उन पर अचानक में हमला करके लूरन और सभी को भागने में मदद करती है, पर रिचर्ड भूल कर बैठते टूम्ब के करीब जाकर, जिसके कारण वो वॉगल के हाथ लग जाते हैं। इसलिए लारा को अपना हथियार डालना पड़ता है। अब अपने पिता की जान खतरे में लारा को टूम के एंट्रेंस के पहेली को सुलझाना पड़ता है, और अब वॉगल हिमिको की खोज से कुछ ही दूर होता है। सभी एक एक करके टूम में प्रवेश करते हैं, पर उनका एक गलत कदम बूबी ट्रैप पर पड़ने पर वॉगल का एक साथी की खड़े खड़े ही मौत हो जाती है। उनके रोंटे खड़े हो जाते हैं जब उन्हें कंकाल से भरा खाई नजर आता है। उसे पार करने के बाद आगे तहखाने में प्रवेश करने पर उन्हें दीवार पर कुछ पहेली नजर आते हैं। ऊपर से फिर से बूबी ट्रैप पर कदम रखने पर अब तहखाने का दरवाजा तुरंत सील हो जाता है, और अब धीरे धीरे उनके पैरों से जमीन खिसकने लगती है, जिसमें लारा गिरते गिरते बचती है। पर दरवाजे पर की होल नजर आने पर उन्हें तुरंत समझ आता है कि वो पहेली ही यहाँ से निकलने का तरीका है, जिसकी मदद से उन्हें अलग अलग प्रेयर व्हील से अलग अलग रंग के कीज मिलते हैं, पर कोई भी रंग काम करता नजर नहीं आता। फिर तभी लारा को उस पहेली में छिपी क्लू की मदद से चमकता है कि लाइफ का रंग ग्रीन होता है, इसलिए येलो और ब्लू का एक साथ प्रयोग करने पर फाइनली आजादी का रास्ता खुल जाता है, और अब उनके सामने हिमुको का तहखाना नजर आता है। अंदर प्रवेश करने पर हिमुको का टूम तहखाने के ठीक बीचों बीच रखा होता है, पर उसे खोलने पर वो एक साधारण इंसान नजर आती है, जिसका शरीर बाहर के वातावरण के कॉन्टेक्ट में आने पर तुरंत डीकम्पोज भी हो जाता है। वहीं उसके लाश को उठाने के चक्कर में एक भयंकर इन्फेक्शन वॉगल के साथी की दर्दनाक तरीके से जान ले लेता है, जिससे अब दीवारों पर पेंटिंग्स और उस पिछले पहेली को याद करने पर लारा को समझ आता है कि हिमी को कोई जादूगरनी नहीं थी, बल्कि उसे कोई भयंकर इन्फेक्शियस बीमारी थी, जिनके किसी को भी छूते ही वो वहीं ढेर हो जाते थे, और उसने अपने मन से खुद की कुर्बानी दी इससे पहले कि उसकी बीमारी पूरे राज्य को निगल ले। बाप बेटी वॉगल को वार्न करते इसे ना ले जाने के लिए, पर वॉगल नहीं मानता और बचते हुए कम से कम उसकी एक उंगली काट कर अपने पास रख लेता है। पर दोनों भी ऐसा होने नहीं देते, इसलिए एक तरफ मर्सिनरी लारा के पीछे पड़ जाता है, तो दूसरी तरफ रिचर्ड का दुर्भाग्य कि वो दूसरे मर्सिनरी के हाथों इन्फेक्ट हो जाते हैं, हालांकि अंत में वो उसे ढेर कर देते हैं। यहाँ लारा मर्सिनरी को बूबी ट्रैप के तरफ लूर करके खुद ट्रैप से बचकर मर्सिनरी को ट्रैप में फंसाकर उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। लारा के रिटर्न लौटने पर रिचर्ड तय करते हैं कि उन्हें पीछे रहकर टूम को नष्ट करना होगा, ताकि कोई और इसकी खोज ना कर सके। वहीं अब वो बचने से रहे, इसलिए उसे उन्हें यहीं छोड़कर जाना होगा। अब ये सुनते ही लारा एकदम से टूटने लगती है, पर और कोई चारा भी नहीं है, इसलिए अपने पिता को आखिरी बाय बिट करने के बाद वो वॉगल को रोकने के लिए निकल पड़ती है। वॉगल इससे पहले भाग सके, लारा उसका एकमात्र एस्केप रास्ता नष्ट कर देती है, और अब दोनों में भी भीषण लड़ाई छिड़ने के बाद टूम के डेटोनेशन में नष्ट होते ही लारा मौका देखकर वॉगल को नॉकआउट करके किमिको का वही इन्फेक्शियस फिंगर उसके हलक में घुसेड़ कर उसे कंकाल से भरे खाई में ढकल देती है। अब लारा बिना समय गवाए अपने ट्रेडमार्क औजार और जंप की मदद से उस पार निकल
निकल आती है। वो पूरी जान लगा देती एग्जिट तक पहुंचने के लिए, पर आखिरी समय पर वो मलबे में कैद हो जाती है। पर उसका भाग्य कि लूरेन करीब उसे एस्केप करने में मदद करते हैं। उनका एक और बड़ा भाग्य कि मर्सिनरीज के हेलीकॉप्टर के लैंड करने पर वो उन्हें गन के नोक पर हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके सभी फाइनली सही सलामत आइलैंड से एस्केप कर जाते हैं। अब अपने घर लौटने पर अपनी विरासत एक्सेप्ट करने के बाद जब उसकी नजर उन लिस्ट ऑफ कंपनीज पर पड़ती है जिसे उसके पिता ओन करते थे, तब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है कि दरअसल ट्रिनिटी ग्रुप एक एंशिएंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपरनेचुरल आर्टिफैक्ट्स को हासिल करके मैनकाइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसका पैरेंट कंपनी वही कंपनी है जिनकी लीडर और कोई नहीं बल्कि एना ही है। वो मर्सिनरीज भी एना के ही कमांड को फॉलो कर रहे थे। एना का प्लान था लारा को बिजनेस के कामों में उलझाए रखने का ताकि कोई उनके खोज के बीच ना आ सके, पर ये जानने के बाद लारा उनके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का तय करती है और ये मूवी उसके इसी निर्णय के साथ खत्म हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।